रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है, जिसके उद्देश्य से पूर्ति के लिए प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के 44 जातियों को शामिल कर नया सामाजिक संगठन बनाया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भारती और महासचिव ध्रुव कुमार सोनी बनाए गए हैं। इसके अलावा संगठन की मजबूती के लिए अन्य पदों पर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रादेशिक पदाधिकारी के अलावा दुर्ग जिले के पदाधिकारी आगामी 8 अक्टूबर को एक भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। संगठन की जो तैयारी है सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा बहुत सारे बिंदुओं पर अनुसूचित जाति समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा था और लाभ नहीं मिलने के कारण जो है सब टुकड़ों टुकड़ों में जो है ना आए दिन धरना प्रदर्शन ये सब हम लोग करते हुए आ रहे थे। अब 44 जाति के अलावा 5 जाति जो है 2016 को शामिल किया गया था उसकी अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभी तक के जो है उस जनसंख्या को अनुसूचित जाति में नहीं जोड़ा है। का समाज का जो गठन किया गया है इसका मेन उद्देश्य है कि जो अनुसूचित जाति के तबका है जिसमें 44 जाति या समथिंग आ रही है उसमें गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुन रहा है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही है जिसमें पूरी संगठन एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। पहले क्या था कि एक समथिंग कोई भी जाति जैसे बौद्ध समाज की जाति हो या घसिया समाज की हो या सतनामी समाज की हो अकेले अकेले मिलकर आंदोलन करते थे जिससे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए सभी लोगों ने सर्व समाज अनुसूचित जाति का करके एक छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठन तैयार किया है। इसकी शुरुआत 3